नमस्कार दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेके बहुत ही बड़ी खबर, 9 महीने बाद आई बड़ी खबर आज हुआ है। ये पेट्रोल डीजल को लेके बहुत ही बड़ा काम आपको बता दें, पेट्रोल डीजल को लेकर 9 महीनों के बाद बड़ी खबर आई है। तेल की कीमतों में लोगों का बजट जो है बिगड़ता जा रहा है, लेकिन अब इस पर एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अगर आप इसी प्रकार से पल पल की अपडेट अगर आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देखना चाह रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास में बेल घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। और दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों, आपको बता दें, पेट्रोल डीजल को लेकर 9 महीने बाद बड़ी खबर निकल के सामने आई है। दोस्तों, दरअसल कोविड-19 की वजह से राज्यों में लगे लॉकडाउन में ढील के साथ ही भारत में जून के महीने में फिर से जो है जून और जुलाई में ईंधन की मांग जो है फिर से बढ़ गई है। इससे पहले मई में 9 महीनों में ईंधन की मांग सबसे कम रही थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ यानी कि PPSC के आंकड़ों के मुताबिक जून 2020 के मुकाबले इस साल जून 2021 में ईंधन की खपत 1.5% वृद्धि के साथ 1.63 करोड़ टन रही है। वहीं दोस्तों, जून में पेट्रोल की बिक्री जो है वो सालाना आधार पर 5.6% की वृद्धि के साथ 24 लाख टन थी। वहीं हम बात करें तो दोस्तों, मई में 19.9 लाख टन की बिक्री से यहाँ 21% की वृद्धि है। देश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन डीजल की बिक्री मई से 12% बढ़कर 62 लाख टन हो गई है, लेकिन यह जून 2020 से 1.5% व जून 2019 से 18.8% कम है। इस साल मार्च के बाद पहली बार किसी महीने में ईंधन की मांग में जो है वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, कोविड-19 की दूसरी लहर के शुरू होने से पहले इस साल मार्च में ईंधन की मांग सामान्य स्तर के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन महामारी का प्रकोप बढ़ने के साथ साथ अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन लगने की वजह से वाहनों की आवाजाही कम हो गई है और साथ ही आर्थिक गतिविधि का असर भी जो है देखने को मिला है, जिससे ईंधन की मांग कम हो गई थी। लेकिन मई में ईंधन की खपत अगस्त 2020 से सबसे कम यहाँ पर दर्ज की गई थी, लेकिन फिर से जो है लॉकडाउन खुलने की वजह से ईंधन में जो है फिर से तेज़ी देखने को मिली है। पिछले महीने तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत में ईंधन की मांग 2021 के अंत तक महामारी पूर्व के स्तर पर लौट गई है और इसकी तुलना में रसोई गैस एकमात्र ऐसा ईंधन है जिसकी खपत पिछले लॉकडाउन में बढ़ी थी। वहीं जून के महीने में भी 9.5% से के साथ 22.6 लाख टन हो गई थी। लगातार जो है यहाँ पर ईंधन की खपत जो है बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो है यहाँ पर पेट्रोल डीजल की खपत भी जो है बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, हाल ही में जो है पेट्रोल के दाम जो है 112-113 के समथिंग है, तो वहीं डीजल के दाम 100 प्लस पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, लगातार पेट्रोल डीजल की मांग में बढ़ती खपत की वजह से लगातार जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही पेट्रोल डीजल को लेकर कोई भी अपडेट आएगी, इसके रेट को लेकर कब तक जो है पेट्रोल डीजल के भाव डाउन होंगे, हम आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। इसके लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।